हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो फिज़िकली उनको आपकी कंपनी कैसी लगती है, ये आपकी ही सजेस्टेड टॉपिक है जिस पे दो तीन सजेशन आए हैं जिस पे मैं रीडिंग ला दूँगी। तो आज मैंने एक टॉपिक उठाया है जो आपकी सजेस्टेड टॉपिक है। आप ही लोगों में से एक ने मुझे कमेंट्स मैं बताया है कि मैम इस पे रीडिंग करनी है, तो चलिए ठीक है, मैं उस पे ही रीडिंग कर रही हूँ। आपको भी जो सजेशन है जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग क्लियर वे में देखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे भी खुशी होती है कि आपने इंटरेस्ट लिया। अगर आपको कुछ जानना है मुझसे तो आप जो हैं कमेंट्स बॉक्स का सहारा ले सकते हैं और डेफिनेटली आप जिस पे रीडिंग चाहते हैं उस पे आप रीडिंग ले सकते हैं। तो किसी एक भाई ने ही मुझे ये सजेशन दिया है कि मैं इस पे रीडिंग आज करूं, तो डेफिनेटली मैं रीडिंग लेकर आ चुकी हूं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ये सजेशन दिया है। एक और का सजेशन है तो उस पर भी मैं रीडिंग आपको आज या कल, जो आज तो मैंने किसी और की रीडिंग उठा ली है, तो कल या परसों डेफिनेटली मैं उठा दूँगी। आपके भी जो सजेशन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। तो चलिए, फिज़िकली आपको फिज़िकली आपके पर्सन को आपकी कंपनी कैसी लगती है, ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड द लीव द रेस्ट। तो आपकी जो कंपनी है आपके पर्सन को कैसी लगती है, बहुत अच्छी टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद आई। फिज़िकली आपकी जो कंपनी है फिज़िकली तो जो लोग फिज़िकल हुए हैं उनकी कंपनी तो डेफिनेटली वो पता ही चलेगा आपके कार्ड्स में। तो देखते हैं क्या निकल के आती है। तो आर्कएंजल माइकल जी को मैंने सामने रखा है, आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। तो फिज़िकली आपकी कंपनी आपके पर्सन को कैसी लगती है। द सन, फर्स्ट कार्ड इज सन। पूरे टैरो में सन कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बारे में मैं क्या कहूँगी, पहले होल कार्ड्स मैं निकाल लेना चाहती हूँ। द सन आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत फायरी हो सकते हैं डेफिनेटली। एरिज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी उनकी हो सकती है। थ्री ऑफ कप्स द मून एंड द सन द मून, आप एक जर्नी में भी हो सकते हैं, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जहां आपको पुल एंड पुश वाली एनर्जी भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील करते हैं। यानी आप दोनों जो है एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, एक फिजिकली भी एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ आप फील करते हैं। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे कार्ड्स आपके निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों में एक बहुत अच्छा एंड गहरा रिश्ता है और वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो फिज़िकली आपकी कंपनी आपके पर्सन को कैसी लगती है। आप दोनों जो है फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, लियो की एनर्जी है, बहुत फायरी है। एरिज लियो सेजिटेरियस कैंसर की एनर्जी है। कितने सारे मेजर अलकाना हो गए आप ये काउंट करें, कितने सारे मेजर अलकाना कार्ड हो गए। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वैंस बोलेंगे मैम ये एट ऑफ वैंस क्यों कह रही है, इतने इसलिए कह रही हूँ कि फायर है। आप देख सकते हैं जो येलो कलर के कार्ड हैं वो फायर है एंड जो ब्लू कलर के कार्ड्स हैं वो वाटर है, वाटर। तो यहाँ जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं 1-2 एंड सब मेजर अलकाना कार्ड है 1-2 एंड 3, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पाइसिस दोनों हैं, कैंसर पाइसिस यानी
ये तीन कार्ड जो है फुल्ली रूप से, ये तीन चार कार्ड जो है फुल्ली रूप से इमोशंस के कार्ड है, एंड डेफिनेटली ये जो है सोर्ड्स के कार्ड है। बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इग्नोर कर ही नहीं पाते हैं। तो आपके पर्सन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी। ये दोनों साइन कम हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकल के आई है वो है सबसे मेजर अलकाना कार्ड जो है, सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी फिजिकली कंपनी इन्हें बहुत पसंद आती है, मीन्स फिजिकली वे में वो आपकी तरफ एक इमोशनल स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं, इमोशनल आपके प्यार में वो डूब जाना चाहते हैं। बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हैं, मीन्स ओवर रोमांटिक हो जाते हैं आपकी कंपनी में, ये ओवर रोमांटिक हो जाते हैं और उस रोमांस में ये डूब ही जाना चाहते हैं। वो इतने रोमांटिक हो जाते हैं कि उस इमोशंस को कंट्रोल करना इनके बस में भी नहीं होता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकती है। यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड है एंड लियो का भी कार्ड है और एट ऑफ वैंस का भी कार्ड है। तो आपकी फिजिकली कंपनी इन्हें बहुत फायरी फील कराती है, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पुल फील करते हैं, मीन्स आप में वो खो जाना चाहते हैं, इंटीमेसी लेवल की हर एक हदें जो है पार कर देना चाहते हैं, सारे इंटीमेसी के जो बाउंड्रीज है वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, फुल्ली रूप से इंजॉय करना चाहते हैं, फुल्ली रूप से आपको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, फुल्ली रूप से खो ही जाना चाहते हैं। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है लेकिन कम है डेफिनेटली। वो आपको प्रोटेक्शन के साथ, सिक्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, आपके साथ सब कुछ करना चाहते हैं, मीन्स पेशेंसफुल, ऐसा नहीं घाई घाई में कुछ भी कर दो, हड़बड़ी गड़बड़ी में, मतलब आपके इमोशंस हर्ट हो जाएं या आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो किसी चीज़ के लिए जो ये चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है पेशेंस के साथ पीसफुली तरीके से ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली ही आपको ये कंफर्टेबल करना चाहते हैं, तभी ये कुछ करेंगे तभी आपके साथ कुछ करेंगे जो आप चाहते हैं। एंड सिक्स ऑफ सोर्स है, सेवन ऑफ सोर्स भी है जो ये इंडिकेट करता है दुनिया और समाज, घर और परिवार की इन्हें कोई भी फिक्र नहीं होती है, इग्नोर करते हैं, क्या कहेगा दुनिया, क्या कहेगा जमाना, क्या कहेंगे लोग, ये क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना तो कहने दो भाई। तो चलिए अब मैंने सारे साइन बता दिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस रीडिंग का मेन जो है थीम आपको बताया, जो जैसे कार्ड्स ऐसे आए। आपके पर्सन आपकी कंपनी यानी फिजिकली कंपनी में वो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है उन्हें, यानी फिजिकली आपकी कंपनी उन्हें कैसी लगती है। तो फिज़िकली आपकी कंपनी उन्हें बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत इंटेंसिटी फील करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब स्पार्क। कुछ लोग मेरे कमेंट्स में बोलते हैं कि मैं हिंदी, मतलब हिंदी ही करती हूँ, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ। अब स्पार्क फील करते हैं, मीन्स वो आपको टच करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपके साथ। अब हिंदी में मुझे बोलने में ही थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, आप समझिएगा, मैं उतनी सारी चीज़ें जो हैं डायरेक्टली हिंदी में या इंग्लिश में तो चलिए बोल कर मैं निकल जाती हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती हूँ। तो आप इस बात को समझें, आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स थोड़ा ये लगते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे रीडिंग्स होती है जो जहाँ जो है। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी रीडिंग पर ही हम आते हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत आपकी कंपनी को इंजॉय करते हैं, इंजॉय मीन्स अच्छा लगता है, मज़े आते हैं उन्हें आपको टच करने का मन करता है, आपको छूने का, मीन्स आपको छूने का, किस करने का, हग करने का, सब कुछ करने का मन करता है। इंटेंसिटी है, वो रह ही नहीं सकते, एक फिज़िकल अट्रैक्शन है,
एक फिज़िकल अट्रैक्शन, आप समझ गए होंगे मैं क्या, एक फ़िज़िकल पुल फील करते हैं, वो चाहते हैं कि बस जो है कुछ ना सुनो, कुछ ना कहूँ, बस कुछ ना कहो, और क्या होना है, कौन सा एक गाना है ना, कुछ ना कहो कुछ भी ना सुनो, क्या कहना है क्या सुनना है, तो वो इतनी इंटेंसिटी, इतना स्पार्क वो देखते हैं आप में कि आपकी कंपनी और ख़ास तौर से आपकी फिज़िकल कंपनी बस इंजॉय करना चाहते हैं, बिना देरी किए इंजॉय करना चाहते हैं। आप देरी मत करें, इंजॉय करें बस। यहाँ सन का कार्ड है, ये भी वही बताता है। ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक ज़रूर होंगे, ईगो में आपको पाकर इन्हें प्राउड फील होता है, आपको पाकर इन्हें जैसा लगता है इस दुनिया की हर एक खुशी इन्हें मिल गई। आपने इनके सोल को डेफिनेटली, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनके सोल लेवल को कहीं ना कहीं पीस यानी शांति फील कराते हैं, एक कंफर्टेबल फील कराते हैं, एक आत्मा को छू लेने वाली जो शक्ति होती है, चेहरे पे जो मुस्कान देने वाली जो पावर होती है वो फील कराते हैं। एक सन की जो चमक होती है, एक सन जैसे निकलता है और जैसे ही वो अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता है और उसमें जो है सारे पे, मतलब जैसे अंधकार दूर हो जाता है, आपकी एनर्जी वैसी ही है उनके जीवन में। आप जब से उनके लाइफ में आए हैं, उनके जीवन में रोशनी ही रोशनी, खुशियां ही खुशियां, हर एक जगह पीस ही पीस फील होता है। जैसे लगता है कि आत्मा से जो गाने निकलते हैं, आत्मा की आवाज़ जिससे जो चीज़ें चलती हैं, वैसी फीलिंग्स आती है। मीन्स आपने उनको सोल लेवल पे कहीं ना कहीं टच किया है, एक इनर चाइल्ड की हीलिंग है, तो कहीं ना कहीं आपने उनके इनर चाइल्ड को हील किया है। और आपकी कंपनी उन्हें बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वो खिल खिला के, जिस तरह से सनफ्लावर आपने देखे होंगे, सन की एनर्जी में वो पूरी तरह से खिल जाता है, तो वो खिल खिला के अपने सोल लेवल पे आपसे कनेक्ट होते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी गोइंग होते हैं आपके साथ, और वो सब कुछ करना पसंद करते हैं आपके साथ। मीन्स आपके साथ वो जितने टाइम आप उनके साथ रहते हैं या ये आपके साथ रहते हैं, बहुत लाइट वेट, इन लाइट वेट वाली एनर्जी होती है, यानी ये इन लाइट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं, एंड डेफिनेटली प्राउड भी फील करते हैं। ईगो भी आती है कि आप इनकी लाइफ में हैं, जैसे सूर्य चमकता है ना, सूर्य एक फादर फिगर होता है, कॉन्फिडेंस की निशानी होती है, वैसे ही ये फील करते हैं कि आपके जीवन में रहने से इन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, एक स्पार्क इन्हें मिलता है। जैसे सूरज चमकता है तो उसकी गर्मी को लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके रोशनी में कितने सारे लोग काम करते हैं, किसानों का जीवन ही सनशाइन पे निर्भर है, हम लोगों का पूरा जीवन सनशाइन पे निर्भर है, तो सोचिए इस इंसान का जीवन भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप जब उनकी कंपनी में होती हैं या ये आपकी कंपनी में होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, और ये इंजॉयमेंट जो है, क्योंकि ये लियो की एनर्जी है एस्ट्रोलॉजी से, जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये पर्सन बहुत हायर एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतनी एनर्जी इनमें होती है कि जैसे लगे कि जो इन्हें चाहिए वो अचीव कर ले, यानी एम्बिशियस हो जाते हैं, गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, मोटिवेट इतने होते हैं आपको देखकर आपकी कंपनी में, और फिज़िकली जब भी वो आपको देखते हैं, ओ माय गॉड, ड्रॉन फील करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी भी। और यहाँ सन और यहाँ मून है, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं फिज़िकल, मतलब एक आग और एक पानी का जो मिलन है, आप इसी से समझ जाइए आपकी कंपनी इन्हें कैसी लगती है। एक यिंग और यान की एनर्जी है, यिंग और यान की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दोनों में डिफरेंसेस है, आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस है, आप दोनों अपोजिट अट्रैक्शन है एक दूसरे के तरफ, एक प्लेटोनिक रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि ये एक प्लेटोनिक रिश्ता है, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ कप्स भी है, तो फिज़िकली वे में भी ये पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल वे में भी देखते हैं,
मीन्स एक प्लेटोनिक रिश्ता जैसा होता है, प्लेटोनिक लव जैसा होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल रिलेशन हो। अगर आपके ये फ्रेंड को नज़र में रख के देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ये इंजॉय करते हैं। एक रिश्ता ऐसा है जो जन्मों तक निभाया जा सकता है, और आपके ये पार्टनर हैं तो डेफिनेटली इनमें सन की एनर्जी, मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं आप में समा जाना, आप में खो जाना, आप में पूरी तरह से मर्ज हो जाना चाहते हैं। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है आप दोनों की, और ये पर्सन जब भी आपकी कंपनी में होते हैं ये चाहते हैं आप में मर्ज हो जाए। मीन्स आप में जो एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वैसी फीलिंग्स होती है। हो सकता है कि आपके चेहरे पे जो स्माइल है, आपके चेहरे की जो एनर्जी है, आपके चेहरे का जो लुक है, इस पर्सन को बहुत पसंद आता है, यानी आपका फेस इन्हें बहुत पसंद आता है। आपकी जो इनर क्वालिटी है, इनर विस्डम है, इस पर्सन को बहुत पसंद आता है। और जब भी वो फिज़िकली आपसे मिलते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपनी एक स्पिरिचुअल वाइब इन्हें फील कराती है। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर उनके डिफरेंसेस यानी चैलेंजेस जो भी इनके लाइफ में हो, अगर उस चीज़ को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देखते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत विजडम से भरे हुए इंसान देखते हैं, बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, हायर पावर से कनेक्टेड देखते हैं। मीन्स आप गॉड के करीब हो, ये पर्सन ऐसा मानते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत मिस्टीरियस हो, ये पर्सन मानते हैं, और इस मिस्ट्री को सुलझाने की ये कोशिश हर बार करते हैं जब वो आपकी कंपनी में फिजिकली रहते हैं। हर बार ये कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी बार भी ये कोशिश करते हैं ये हार जाते हैं, क्योंकि इन्हें अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, इनके पैशन, इनके डिज़ायर को कोई कंट्रोल कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप में वो चीज़ देखते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, क्योंकि आप में बहुत विजडम है, बहुत, और बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। ये आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत फायरी हो सकते हैं, डिज़ायरेबल हो सकते हैं। डेफिनेटली आपकी कंपनी इन्हें आपकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्शन इतना देता है कि वो चाहते हैं आप में बस खो जाना, आप में समा जाना। आपके आपका चेहरा हो, आपका लुक हो, या आप जिस तरीके से भी बैठती हैं, बोलती हैं या बोलते हैं, जिस तरीके से भी आपकी वाइब्स इन्हें फील होती है, एक स्पिरिचुअल वाइब फील होती है। उन्हें ऐसा लगता है, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो जानने की यानी क्यूरियसिटी होती है कि वो आपके बारे में कैसे वो सारी चीज़ें जाने। क्यूरियसिटी बहुत है, लेकिन अंत तक आप जो है इनके लिए मिस्ट्री ही बने रहते हैं। आप इनके लिए एक यूनिवर्सल, डेफिनेटली एक यूनिवर्सल विस्टम के जैसे हैं, जो पहेली के जैसे हैं। जितना भी ये सुलझाना चाहें सुलझा नहीं पाते, आप में ही ये खो जाते हैं, पता नहीं चलता है। आपकी कंपनी लाइक अ फ्रेंड के जैसी इनकी फिज़िकली जो है एक फ्रेंड वाली वाइब्स आती है, क्योंकि आप एक अच्छे फ्रेंड हैं इनके, एक अच्छी आप जो है इस पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे ये पर्सन है। इनके दोस्त भी अगर आपको जानते हैं तो डेफिनेटली आप इनके दोस्त भी आपसे जेलस करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप जो है इस पर्सन को पसंद किए हैं। इनके दोस्त भी आपके बारे में इस पर्सन को बताते होंगे, आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या आपके जितने चाहने वाले हैं उससे रिलेटेड, या फिर आपके लुक्स या फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर लोग बातें करते हैं। इनके फ्रेंड भी बातें करते हैं, और ये पर्सन जो है, ये पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं। इन्हें बहुत प्राउड है, इन्हें बहुत ईगो है, और वो ईगो या प्राउड आपकी वजह से है कि आप इनके पार्टनर हो, आपने इनको चांस दिया है लाइफ में। तो ये पर्सन को है आपके साथ इस जीवन को सेलिब्रेट करना। तो जब भी आपकी कंपनी में ये होते हैं, इन्हें इनका मन होता है कि आपके साथ इंजॉय करें, आपके साथ सेलिब्रेट करें, चाहे वो उस मोमेंट के हर एक पल को ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जीना चाहते, खुश रहना चाहते, एक रोमांटिक ऑफर करना चाहते, एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते, अपनी बातें रोमांस वे में करना चाहते, यानी रोमांटिक वे में वो आपको अप्रोच करना चाहते, रोमांटिक बातें करके वो आपके
दिल को छूना चाहते हैं। और आपकी जो आपकी जो वाइफ्स है, आपकी जो एक फ्रेंडली वाइफ्स इन्हें फील होती है, वो इस पर्सन को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये अगर कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। आप वो आपके पर्सन जैसे हैं आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है, इसीलिए ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल, बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल है तो बहुत पेशेंस ग्राउंडेड फील करते हैं, मीन्स आप डाउन टू अर्थ हैं तो आपकी कंपनी इन्हें डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग फील कराती है, एक पेशेंस वाली, एक काम कूलनेस वाली फीलिंग फील कराती है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी कंपनी में एकदम क्या कहते हैं इसको, एकदम स्थिर हो गए हैं, स्थिर मीन्स स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल हो गए यानी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, किसी चीज़ का दुख नहीं, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं, पूरी तरह से ये पर्सन जो है स्टेबल हैं। आपके एनर्जी में ये प्रोटेक्टेड फील करते हैं, इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, किसी भी चीज़ का फियर नहीं है, ना फाइनेंस का, ना पर्सनल लाइफ, ना प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी चीज़ का, ना टाइम का, ना कुछ भी चीज़ का इन्हें डर भी नहीं होता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फील करता है, करते हैं, जैसा लाइक अ चाइल्ड जो होता है एक माँ की एनर्जी में जिस तरह से प्रोटेक्टेड फील करता है, उसी तरीके से आपके पर्सन भी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं कि अगर उन्हें आपकी कंपनी में वो सिक्योरिटी फील होती है जो बाहर उन्हें नहीं फील होती है, वो अवेयर रहते हैं बाहर, लेकिन आपकी कंपनी में वो शांत रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, और दिमाग भी एकदम से ठंडा, एकदम फ्रेश रहता है इनका। और आपकी जो आपका जो नेचर है पेशेंसफुल होकर इनकी बातों को सुनना, इनसे बातें करना, या कोई भी काम अगर आप इनसे फिज़िकली भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ फिज़िकल अपेयर, फिज़िकली आपकी कंपनी इन्हें कैसे लगती है, तो फिज़िकली कंपनी भी मैंने बताया कि काम कुलनेश वाली है, इन्हें पता है कि आप इनके ही होने वाले हो, तो जैसा आप कहोगे ये पर्सन वैसा ही करने वाले हैं, उठक बैठक कराओगे तो उठक बैठक कर लेंगे, चार चक्कर मंदिर के लगवाओगे चार चक्कर लगा लेंगे, आप कह दो उस समय कि सात फेरे ले लो मेरे साथ, ये सात फेरे भी लेने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल है, तो आप कहें एक एक पेंटिकल को उठाकर इस धरती पर, इस धरती पर आप मुझे कमिटमेंट दीजिए, ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सात साल मैंने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, हर एक साल का एक एक फेरा इसी मंदिर में ले लेते हैं, और ये लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है और इस पर्सन की भी एनर्जी ग्राउंडेड है, ये जानते हैं, रियलिटी जानते हैं कि अगर खुश रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तो मैरिज कमिटमेंट समाज के सामने करना ही चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तभी एक दूसरे के साथ लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, तभी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्योंकि समाज और सोसाइटी में हमारा रिश्ता अगर लॉन्ग टर्म चलता है तो आप दोनों एक दूसरे के हर एक सुख दुख में एक दूसरे का साथी बनते हुए, प्यार तो होगा ही, प्यार तो है ही, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैरिज इज़ अ कमिटमेंट, इज़ अ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ें अगर होती है ना तो हम उस वो चीज़ें सॉलिड मानी जाती है, अगर आपकी मैरिज इनसे होती है तो वो सॉलिड होगी, आप उसे छूकर फील करके सालों उन्हें फील करेंगे, सालों उन्हें छुएंगे, सालों उन्हें इस एक्सपीरियंस को याद रखेंगे, मरते दम तक दोनों का साथ एक दूसरे के साथ रहेगा, और ये जो मेमोरीज है इतने सालों की, ये जो आप दोनों का साथ है वो इस जन्म के अगले जन्म तक जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ये स्टेबल है, इसीलिए मैरिज कमिटमेंट होना चाहिए अगर हम प्यार करते हैं तो। लेकिन कोई स्पिरिचुअल जर्नी में होता है जहाँ शादी पॉसिबल नहीं है, हम सोल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि शादी होने से बहुत सारे कर्मास क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत डिफरेंसेस वाली होती है, बहुत सारे चैलेंजेस वाली होती है, तो बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ आए हैं, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है चैलेंजेस भरा हो, आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
आपके पर्सन मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, अलग पर्सन से मैरिड हैं, तो चैलेंजेस है तो इस लाइफ में, तो आप मैरिज कमिटमेंट कहेंगे क्योंकि वो मैरिज कमिटमेंट लाइक इस जीवन में एक स्टेबल रिलेशनशिप जिसको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं और अपनी यादें जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। वो होने से बहुत सारे लोग भी लोगों के साथ आपका कर्मा क्रिएट होगा। अगर थर्ड पार्टी कोई मैरिड है तो बहुत सारा कर्मा क्रिएट होगा और उस कर्मा के चक्कर में आपका जो सोल है बहुत डिप्लीटेड होगा। तो वैसे सिचुएशन में हमेशा जो है कि सोल लेवल पे ही कनेक्टेड रहें, सोल लेवल पे ही अनकंडीशनल प्यार में रहें, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकलिटी में लाने पे बहुत सारी चीज़ें टूटेगी, बहुत सारी चीज़ें बिखरेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है कर्मा क्रिएट करेगी जो नेक्स्ट जन्म में आपको उन सारे चीज़ों का हिसाब किताब तो करना ही करना है। तो बहुत सारी इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें सर्व करती है सोल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पे। एंड शैडो साइड तो सबका होता ही होता है, वो भी एक लेवल ही है जो शैडो साइड सबके अंदर होता है और इस दुनिया में भी होता है। तो शैडो साइड पे वर्क करना भी, हम उसी के इनलाइटमेंट के लिए आते हैं कि जो शैडो साइड हमारे अंदर है उसे हम ख़त्म करके अपने आप को जो है इनलाइटन करें, तभी हमारी सोल जर्नी जो है कंप्लीट होती है। तो आपके पर्सन यही देखते हैं कि आप जो हैं किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप में वो जादू है, आप में वो विजडम है, आप में वो क्रिएटिविटी है, आप में वो फायर है, एम्बिशन है। तो आपकी कंपनी में कैसे ये देख सकते हैं, ये लायन को, यानी कि आपके पर्सन फिजिकली आपकी कंपनी में कैसा उन्हें लगता है। तो इस लायन को देखिए, ये लायन कितना भी फायरी हो लेकिन इस फेरी ने इन्हें शांत कर दिया है, ये शांत कर दिया है। तो इस फेरी ने इन्हें शांत कर दिया है, कूल कर दिया है, काम कर दिया है। तो इसी के वजह से आप में वो एनर्जी है इस पर्सन को शांत करने की, हर एक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप में है। इन्हीं बातों से आप समझ जाएं क्या कि इस पर्सन को किस किस चीज़ की डिज़ायर है, किस किस चीज़ की नीड्स है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी कंपनी में बहुत कंट्रोल फील करते हैं। कंट्रोल मीन्स उन्हें संभालने वाला आप हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाला आप हैं, उनके गुस्से को कंट्रोल आप कर सकते हैं, उनके डिज़ायर को कंट्रोल या सेटिस्फाइड आप कर सकते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें स्पिरिचुअली आप इनलाइटमेंट दे सकते हैं, उन्हें इमोशनल नीड को फुलफिल आप कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सन आपकी कंपनी में देख सकते हैं चैलेंजेस डेफिनेटली फील के, क्योंकि आप दोनों एक अपोजिट अट्रैक्शन में हो सकते हैं। आप देख सकते हैं फेरी जो है ये ह्यूमन बीइंग है और लायन जो है ये जो एनिमल्स है, लायन इज़ एनिमल्स, समझ में आया, जानवर है, लेकिन जानवर को कंट्रोल करना कोई आसान नहीं होता है। तो आपके पर्सन लाइक अ एनिमल, आप कोई भी रहे, लड़की रहे, लड़का रहे, आई डोंट, मतलब रीडिंग जो है सिर्फ एनर्जी बेस है, मीन्स एक एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, वो वाइल्ड होते हैं और उस वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल ये ह्यूमन बीइंग है। तो आप में वो एबिलिटी है, सब में ये एबिलिटी नहीं होती है, ये भी जान ले, सब में ये एबिलिटी नहीं होती है, आप में वो एबिलिटी है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेस्टेज से देख सकते हैं। लाइक अ इंट्यूटिव पावर, लाइक अ विजडम, लाइक अ स्पिरिचुअल पावर, लाइक अ यूनिवर्सल पावर आपके पास है, यूनिवर्सल विजडम आपके पास है। ये पर्सन बहुत कुछ छिपा के रखते, ओपनली ओपन अप नहीं होते हैं आपकी तरफ और ना ही आप उनकी तरफ ओपन अप होती हैं, मीन्स खुलकर बातें नहीं होती है, खुलकर कोई काम आप दोनों नहीं करते हैं। तो हर चीज़ें जो है नेवर एंडिंग स्टोरी जैसी बन के रह जाती है। एंड चैरियट, तो डेफिनेटली वो ये पर्सन गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी में ये बस 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 जो हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए,
ऐसी इनकी एनर्जी है, बस हो जाए। अगर आपने हाथ छुआ तो ठीक है, हाथ ही छूकर आगे जो काम है वो भी कर लिया जाए, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि चैरियट जो है कहीं रुकता नहीं है, ये जान ले, चैरियट रुकता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए ठहर जरूर जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। इनको इनको जो चाहिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपकी कंपनी, और वो भी टॉपिक है हमारा फिजिकली, आपकी कंपनी इन्हें कैसी लगती है। तो सोचिए, ये चैरियट लेके आ रहे हैं मिस, ये जो करना चाहेंगे आपसे वो करेंगे ही करेंगे, रुकेंगे नहीं। आपको रुकना पड़ सकता, हाँ कंट्रोल आप कर सकते हैं अगर इसके इनके विस्डम को, इनके डीएनए को आप अगर अच्छे से जानते हैं। तब आप जानते हैं कि इनकी इनकी इनके इंटेंशन क्या है। अगर आप जानते हैं तो, अगर इनके इंटेंशन ये होंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ छूँगा, फिर बहुत कुछ नहीं, बस किस करूँगा और कुछ नहीं। लेकिन टच के बहाने वो किस के बहाने वो कहाँ किस करेंगे, किस करने की आपने अगर परमिशन दे दी है तो वो कहाँ किस करेंगे, ये आपको भी नहीं पता होगा। आपने परमिशन दिया ज़रूर है लेकिन वो कहाँ करने के लिए दिया है ये आपको नहीं पता। और ये चैरियट हैं, ये रुकेंगे नहीं। किसके मामले में आपने एक की इजाज़त दी, ये पूरे बॉडी पे किस करेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। चैरियट कहीं रुकता नहीं है किसी भी काम के लिए। अगर आपने इन्हें कह दिया है कि ठीक है किस कर लो, ठीक है टच कर लो, ठीक है मुझे छू कर देख सकते हो, फील कर सकते हो, ये पूरा फील करेंगे, आप नहीं रोक सकते हैं। दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, इधर के क्या कहेंगे, उधर के क्या कहेंगे, फ़ोन क्या कह रहा है, फ़ोन बज रहा है या नहीं बज रहा है, डजंट केयर, कोई नहीं। आपकी कंपनी सबको इग्नोर कराती है। एक बार नज़रें जो टिक जाती है इस पर्सन का आपके ऊपर, फिर ये दुनिया जहान, फ़ोन क्या, कौन क्या बोल रहा है, इस पर्सन को नहीं पता है। इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होता है कि बस जाना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। और अगर आपने परमिशन दे दिया कि ठीक है तुम मुझे किस कर सकते हो, छू सकते हो, तो बस वो कहाँ कहाँ किस करेंगे आपको नहीं पता, वो कहाँ कहाँ टच करेंगे आपको नहीं पता। क्योंकि ये पूरे काम अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। चैरियट बहुत डिटर्मिनेशंस वाले होते हैं, बहुत फोकस होते हैं, बहुत एक्शन एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं ऐसे। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक चैनल को सब्सक्राइब करने से एक मुझे सपोर्ट मिलता है, इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। एंड डेफिनेटली आप अगर लाइक करते हैं, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होती है। मैंने आपके साथ इतनी एनर्जी दी है, आप देखने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग देखने आएंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी देखेंगे, लेकिन आप देखने आए हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर आपसे ये मैच करती है तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए बस एक लाइक ही बनता है। आपको यहाँ पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि रीडिंग के पेमेंट होते हैं, इसीलिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो क्लेम भी होता है। आप कुछ दे रहे हैं तो इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, यहाँ तक पहुँचे रीडिंग देखा लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तब कीजिए जब आप मेरी रीडिंग्स को देखना पसंद करते हैं तब, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए कि जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने कमेंट यानी कि मेरे यानी कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने सजेशन दीजिए, टॉपिक दीजिए कि जिससे कि मैं उस टॉपिक्स पे रीडिंग ला सकूं। आज किसी ने टॉपिक दिया, इसी पर मैंने रीडिंग किया है, नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक पे मैं दोबारा भी रीडिंग लाऊंगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है इस टॉपिक पे तब, एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच क्योंकि आपने अब तक मेरा वीडियो देखा। एंड गॉड ब्लेस यू एज अ हीलर कि आपकी ये सारी विशेज़ फुलफ़िल हो जाए। एंड डेफिनेटली आई लव यू क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं आप। थैंक यू सो मच।